चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। हमारे पास मजबूरी है तब तो जा रहे हैं। वो लठ मारने से पहले एक बार भी पूछता है तुम्हारे पास क्या दिक्कत है। लॉकडाउन में जब कमाई नहीं हुआ, 2 महीने जो कमाया था वही बैठ के खा गया। आगे खाने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा। यहाँ कितने लोग रह रहे हो? हम लोग यहाँ 5 लोग रह रहे हैं अपने रूम में। 5 लोग? पांचों बिहार का ही खड़े? पांचों बिहार का। अच्छा, लॉकडाउन में किस तरह की समस्याएं हो रही है आप लोगों को? इतना दिन में तो कोई समस्या नहीं आई खाने पीने की। जो भी मेरा कमाया हुआ पैसा था मालिक के पास से, वो पैसे धीरे धीरे दे रहा था। अब मेरा पैसा सारे मालिक यहाँ से ख़त्म हो गई। अब आगे के देखना है मालिक देता है या पैसा नहीं देता है। मैं अपना कमाया हुआ पैसा सारे ले ली और सारे खाना पीना कुछ घर भी भेजे, कुछ खाए पिए यहाँ। जिसके यहाँ पर काम करते थे फैक्ट्री में, तो उनके यहाँ से क्या सहायता मिली आपको? वो अपने तरफ से कुछ सहायता नहीं दी भाई, कुछ सहायता अपनी ओर से कोई सहायता नहीं। जो मेरा कमाया हुआ पैसा था मार्च की 22 तारीख तक जो हम लोग काम किए थे, हाँ, वही पैसा सारे दिया अभी तक। अच्छा, अब मेरा पैसा खत्म हो गया। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं हुई? सरकार की तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करके कोई सहायता मांगी आपने? वो जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर था ना, उसमें वो रजिस्ट्रेशन करवाए थे, पर वो फोन करके आज बस भेज रहे, कल बस भेज रहे, परसों तक इसी तरह का नया नया नियम बना रहा है। तो हमारा जो पैसा था मगर फैक्ट्री मालिक की तरफ से कमाया हुआ था वही मिला, ना तो सरकार की सहयोग मिला ना तो फैक्ट्री मालिक की सहयोग मिला। जो हमने कमाया वही अब 2-3 महीने लोग 2 महीने रहा लॉकडाउन, तो 2 महीने तक खाया वो पैसा। अब 2-4 दिन चलेगा पैसा, 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। फैक्ट्री मालिक से पूछेंगे पैसा दो या नहीं तो हम लोग घर भेज दो। अच्छा, जो आप पैसा कमाते थे घर भी भेजते होंगे? घर भी भेजते थे और बाल बच्चों को भी देखते थे। तो क्या इस लॉकडाउन में पैसे थे भेजने के लिए? लॉकडाउन में जब कमाई नहीं हुआ, 2 महीने जो कमाया था वही बैठ के खा गया। आगे खाने के लिए कोई पैसा ही नहीं बचा। तो क्या घर पे पैसे ना जाने की वजह से दिक्कत हो रही है? घर पे ना जाने, घर पे भी परेशानी है, यहाँ भी परेशानी होना चाहिए। इन सभी मजदूर भाई से निवेदन करता हूँ कि सब सभी प्रवासी मजदूर जो हैं दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और अपने गांव पैदल चल के जा रहे हैं, बसों से या गाड़ियों से जा रहे हैं, दिल्ली में फंसे पड़े हैं, तो कुछ लोगों की अभी एक्सीडेंट भी हुए, मर भी गए, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई और बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उनके पास भी कोई मजबूरी रहा होगा इसलिए तो पैदल जा रहा था। अगर मजबूरी ना होता तो हम लोग बिहार से यहाँ नहीं आते। उनके भी पास खाने की मजबूरी होगी, रहने की मजबूरी होगी। जैसे किराए वाले मकान में रहते हैं वो किराएदार परेशान करता होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए नहीं होंगे, तब तो मजदूर बेचारा पैदल जा रहा था। अगर कोई शौक से पैदल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें सरकार की भी कुछ गलतियां हैं? इनमें सारी की गलतियां हैं, फैक्ट्री मालिक की भी गलतियां हैं, रूम मालिक की भी कुछ गलतियां हैं और सरकार की भी कुछ गलतियां हैं। जो वहाँ तो घोषित हो गई कि मजदूरों के ये सब मिलेंगे, पर निचली गरम धरती पे इतनी आ नहीं रही है। ये मजदूर पे पड़ रहा है, मजदूर पे पड़ रहा है। बड़े आदमी तो अपने घर में उनकी बाल बच्चा अच्छे से रह रहे हैं, हम मजदूर क्लास के लोग पैदल भी जा रहे हैं, पुलिस से लठ भी खा रहे हैं,
हमारे पास मजबूरी है तब तो जा रहे हैं। वो लठ मारने से पहले एक बार भी पूछता है तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, तुम्हारे क्या मजबूरी है। वो तो जाते हैं, तू इधर नहीं जाएगा, बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। अगर हम लोग जबरदस्ती करते हैं तो लठ मारता है।